अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद शिरीन काजी। आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी रेड चिकन। बहुत ईजी एंड सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी भी बन जाएगी। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। देखिए, मैंने अभी इधर 1 kg चिकन ले लिया है। चिकन में अभी हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी हम चिकन में डालेंगे 1 चम्मच नमक। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अभी हम चिकन में डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच ही डालेंगे धनिया पाउडर। अभी हम चिकन में डालेंगे 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। अभी हम चिकन में डालेंगे तली हुई प्याज। 2 प्याज को मैंने अच्छे से तल के प्याज को क्रश करके डाल दिया है। अभी हम चिकन में डालेंगे 3 टमाटर का पेस्ट। अभी हम चिकन में डालेंगे 1 कटोरी दही। दही को अच्छे से मिक्स करके डालें। अभी हम चिकन में डालेंगे 1/2 चम्मच रेड फूड कलर और अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच ही डालेंगे रेड चिली सॉस। देखिए, मैंने चिकन में सारे मसालों को डाल दिया है। अभी हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ। देखिए, मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम चिकन को 1 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। 1 घंटा हो चुका है, चलिए अभी हम चिकन को बना लेंगे। देखिए, मैंने अभी इधर एक कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई में मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अभी हम इसमें कड़ी पत्ते को डाल देंगे। अभी हम कढ़ाई में मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। देखिए, मैंने चिकन को डाल दिया है। अभी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से भून लेंगे सारे मसालों के साथ। देखिए, माशाल्लाह, चिकन पकने से पहले ही इसका कितना अच्छा कलर आया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको रेसिपी पसंद आएगी, बहुत जल्दी भी बन जाती है। देखिए, मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम ढककर 10 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से पका लेंगे। 10 मिनट के बाद अभी हम 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे इसमें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम ढककर और 15 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से पका लेंगे। 15 मिनट के बाद देखिए, माशाल्लाह, चिकन अच्छे से पक चुका है। देखिए, इसमें ऑयल भी अच्छे से छूट चुका है। अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम कढ़ाई में डालेंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े से हरी मिर्च और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। चिकन की कढ़ाई को साइड में रख लेंगे और एक छोटा सा पैन लेके इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और कसूरी मेथी को 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और वापस से चिकन की कढ़ाई रखकर इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे क्रश करके बारीक करके। कसूरी मेथी चिकन में डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। कसूरी मेथी को थोड़ा सा भून कर क्रश करके डाल दें। अभी हम कसूरी मेथी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, माशाल्लाह, हैदराबादी रेड चिकन बनके रेडी है। देखिए, बहुत ईजी एंड सिंपल सी रेसिपी है। देखिए, आपने ही देखा, बहुत जल्दी भी बन जाती है। चलिए अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। आप इसको रोटी, कुलचा या नान के साथ सर्व कर लें, आपके घर वालों को बहुत ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। देखिए, मैंने इधर सर्व कर लिया है हैदराबादी रेड चिकन को। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।